सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज ने हैबिट सॉन्ग को कंप्लीट किया। शहनाज के ही वजह से आज ये सॉन्ग हम सबके सामने है। सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज का लास्ट प्रोजेक्ट हैबिट आज हम सबके सामने है, तो सिर्फ़ और सिर्फ शहनाज की वजह से। सिद्धार्थ का लास्ट प्रोजेक्ट जिसमें हम सिद्धार्थ को देख पा रहे हैं, वो सिर्फ शहनाज की वजह से ही कंप्लीट हो पाया और आज हम सबके सामने है। सभी फैंस बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं शहनाज का, जो इस तरह से प्रोजेक्ट सामने आ पाया। लेकिन एक बात है, शहनाज ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि हैबिट सॉन्ग इस तरह से सामने आएगा, क्योंकि गोवा से बहुत सारी यादें जुड़ी थी यार उनकी। वो सिर्फ प्रोफेशनली ट्रिप नहीं था, वो उनका पर्सनली भी ट्रिप था गोवा का। हमने देखे हैं वहाँ के BTS और कई सारे पिक्चर्स, बहुत इंजॉय कर रहे थे हमारे शहनाज गोवा में। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है, लेकिन शहनाज वो नहीं हारी, वो उठी, खड़ी हुई और आज उन्होंने हैबिट सॉन्ग को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बहुत हिम्मत है यार उस लड़की में। इस सॉन्ग को देखकर और शहनाज का अकेलापन और खालीपन देखकर फैंस बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और अपने दिल की बातें कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक फ़ैन ने बहुत अच्छी बात कही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, शहनाज ने इसे पूरा किया बहुत सारे पेन लेकिन डिग्निटी के साथ, बहुत सारी इम्प्लीमेंट्स पर एलिगेंस के साथ, क्योंकि उसको पता है हक उसी का है तो वो हर अधूरे को पूरा करेगी। आगे लिखा है, मगर बेबी इतनी बड़ी हो गई, सिद्धार्थ शुक्ला देख तेरी शहनाज कितनी मैच्योर हो गई, प्लीज़ गिव स्ट्रेंथ। तो शहनाज गिल का पेन फैंस से छुपा नहीं है। अगर शहनाज दर्द में है, फैंस उसे देखकर समझ जाते हैं और अपनी फीलिंग्स इस तरह से बयां करते हैं। तो आप भी हैबिट सॉन्ग ज़रूर सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और शहनाज को फील कीजिए। और हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सिड अब नाज में ही है, सिड नाज अब शहनाज में ही है। और हम शहनाज की बातें हमेशा करते रहेंगे, सिद्धार्थ की बातें हमेशा करते रहेंगे और शहनाज को हमेशा हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो गाइज़, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और आपके दिल में जो भी बातें हैं आप कॉमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।